अगर आप पानी पूरी के शौकीन है तो आई एम श्योर आपको ये अचार भी बहुत पसंद आने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गाजर और शलगम का पानी वाला अचार। इसके पानी का टेस्ट बिल्कुल वैसा टेस्ट है जैसे कि पानी पूरी के पानी का होता है। तो आप पानी पूरी के पानी का मजा रोज ले सकते हैं। ये अचार बनाकर अपने खाने में इसे शामिल करें। तो ये अचार बनाना बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही इजी वे से ये अचार बन जाता है। तो चलिए फिर बनाते हैं पानी वाला शलगम और गाजर का अचार। और फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। गाजर और शलगम का पानी वाला अचार डालने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो शलगम लिए है और आधा किलो गाजर ले लिया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से जितनी लेनी चाहे ले सकते हैं। इनको मैंने छील करके धो करके अच्छी तरह से सुखा लिया है। अब इनको काट लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में। पहले हम गाजर को इस तरह से काट लेते हैं। वैसे आप किसी भी शेप में काटना चाहे काट सकते हैं। मैं इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में इसको काट रही हूँ। इस तरह से सारी गाजर को मैंने काट लिया। इसी तरह से अब शलगम काट लेते हैं। तो इसी तरह से गाजर और शलगम को मैंने काट लिया है। उधर हमारा पानी भी बॉयल हो गया है। देखिए, ये पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। तो हम इसमें गाजर और शलगम डाल देते हैं। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे, इसी तरह से उबलने देंगे। हम इसको ढक के रख देते हैं। 2 से 3 मिनट तक हमें इसे इसी तरह से उबलने देना है। दो से तीन मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे तो ये काफी हद तक हो चुके हैं। इनको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है हमने, बस हल्का सा पकाना है। तो ये 2 से 3 मिनट तक पक जाती हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। मसाले जो यहाँ पर मैंने लिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर का लिया है और 1 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर लिया है, 1 पिंच के बराबर हींग ली है, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर लिया है यहाँ पर मैंने, और 1.5 टीस्पून नमक का लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर का लिया है, और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है राई, जिसको मैंने दरदरा पीस लिया है, ये मैंने 3 टीस्पून के करीब ली है। अब ये गाजर और शलगम को मैंने कांच के बोल में डाल लिए। पानी अगर आपको ज्यादा लगे तो आप इसे कम कर सकते हैं। पहले पानी आपने इतना लेना है कि गाजर और शलगम पूरी तरह से इसमें डूब जाएं। अब अगर पानी आपको ज्यादा लगता है तो इसे कम भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अब थोड़ा ठंडा करके हम इसमें मसाले डाल देते हैं। ये पहले मैं हींग डाल रही हूँ और बाकी के भी सारे मसाले इसी तरह से डाल देते हैं। और साथ में ये राई भी डाल देते हैं और इसको हिला देते हैं। अब इसमें 1 चम्मच सिरका डाल देंगे ताकि ये खराब ना हो। इस अचार को हम 1 से 2 महीने तक रख सकते हैं। तो लीजिए, ये हमारा पानी वाला अचार बनकर तैयार हो चुका है। इसको 2 से 3 दिन तक हमने धूप में रखना है तो फिर ये बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा और ये खाने के लायक भी हो जाएगा। इसको आप 1 से 2 महीने तक इसी तरह से रख सकते हैं बाहर बिना फ्रिज के। ये खराब नहीं होता है और खाने में ये इतना टेस्टी होता है जैसे गोलगप्पे का पानी होता है, पानी पूरी का पानी होता है, बिल्कुल वैसा टेस्ट होता है।
इसके पानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, खट्टा जैसे कांजी होती है वैसे इसका टेस्ट होता है। तो आप इसे बनाकर ज़रूर देखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। टेस्ट आपका और आइडिया मेरा। बने रहिए फिर टेस्टी ट्विस्ट में मेरे साथ इसी तरह से। धन्यवाद।